से एक और नए ब्लॉग के साथ। काफ़ी टाइम बाद एक और नया ब्लॉग आ रहा है क्योंकि रेगुलर हमें टाइम नहीं मिलता है। ब्लॉग लास्ट टाइम मेरा आया था 2022 में, तो 31 को मैंने ब्लॉग बनाया था। बट एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यार। यूट्यूब में कुछ कॉन्टेंट डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना ऐसे ही रहेगा, ना तो व्यूज़ आएंगे ना कुछ। बट फिर भी उतने व्यूज़ तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बना ही देते हैं, क्या पता थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाए। बट आज मैं जाऊँगा साइकिलिंग में, साइकिलिंग करने, और फिर घूम के आऊँगा। देखते हैं कहाँ तक घूम के आते हैं, अभी मुझे भी आइडिया भी नहीं है कहाँ तक जाऊँगा करके। तो अभी जैसे ही मैं जाता हूँ तो आपको व्यू दिखाऊँगा आगे का। ये लोकेशन रहेगी दिल्ली में, साउथ दिल्ली की लोकेशन रहेगी। तो देखते हैं बाहर जाके कितना ठंडा है, कैसा मौसम है, और कितनी भीड़ है, और कितना ट्रैफिक है, सारा कुछ। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। तो भाई ये है मेरी साइकिल जिसको रेडी किया गया है अभी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बहुत लगभग हो गए होंगे 3-4 महीने। उससे पहले मैंने लास्ट टाइम चलाई थी। अब देखते हैं, इसमें हवा भी बहुत कम लग रही है, तो देखते हैं। अभी मैं देखता हूँ चला के इसको। अच्छा मेरे सामने नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा हूँ। तो देख लो कहाँ जा रहा भाई। तो चलो यार चलते हैं। चलते हैं और पूरे ब्लॉग में बने रहेगा, छोटा सा ब्लॉग देखते हैं शाम के टाइम पे। काफ़ी टाइम बाद ट्रैवल भी कर रहा हूँ, आपको भी व्यू दिखाऊंगा इधर से पूरा साउथ दिल्ली का। साउथ दिल्ली पूरा नहीं, छोटी सी लोकेशन साउथ एक्सप्रेस का। तो भाई ये वाली लोकेशन देख सकते हैं, वो आगे सामने जो है भाई साहब पकौड़े बेच रहे हैं अंकल। ये साला बीच में कुत्ता आ गया, भग उनको भगाने के लिए। भाई देखो, देख रहे हो, भाई 50 मीटर वापस लेके आ गया है गाड़ी को। मैं अभी खड़ा हूँ इस वाले मॉल के फ्रंट पे, और ये इस मॉल का नाम है अंसल प्लाजा, और डिकैथलन का बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा लगी है 999 की सेल, यानी कि 1000 में 1 रुपया कम है। और ये है स्ट्रीट वर्ड के लिए जहाँ पे बनाया गया है चबूतरा, और रोड के बीचों बीच, और यहाँ पर लोग दाना डालने के लिए आते हैं, जैसे बहुत सारा दाना बिखर रखा है यहाँ पर। और ये हैं कबूतर, ये भागने वाले हैं नहीं क्योंकि इनको मिला है दाना। और ये है साइकिल, और मैं यहाँ पे रुका पड़ा था। अभी का हो चुकी है ऑलमोस्ट शाम, तो शाम का वक्त का कुछ इस तरह का जो मौसम है आज का, क्योंकि शाम का तो खैर मौसम नहीं बोल सकते, हल्के से बादल थे। अब वैसे भी सूरज ढल ही चुका है, दिल्ली जैसी जगह पर ऐसे टाइम पर कहाँ सूरज दिखने वाला, कोहरा ही इतना लगा रहता है। और तो भाई यार साइकिलिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल का काम है अगर आपके पास कैमरा नहीं है, क्योंकि फ़ोन को एक हाथ से आप पकड़ ही नहीं सकते। इन कबूतरों में से ना एक कबूतर जो हो गया है बीमार यार, यहाँ पे तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पड़ा है कुछ ना कुछ तो हो गया इसको। कुछ अटक गया था इसको है यार, पूरा का पूरा चबूतरा। और देखो घोड़े की सवारी भाई, देख रहे हो भाई
सामने बंदा घोड़े की सवारी कर रहा है। ये देखो कबूतर कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि वो दाना डाल रहे हैं, तो जैसे ही उनको लगता है कि कुछ हमें पकड़ने के लिए आ रहा है वैसे भागने लग जाते हैं। तो ये है भाई रेड लाइट, बट साइकिल वालों के लिए कोई रेड लाइट नहीं, बट इन्होंने स्पेस दिया ही नहीं है साइकिल वालों के लिए। ओ भाई ये है भाई, तो देख रहे हो कोहरा, देख रहे हो आगे आगे, देखो स्ट्रीट लाइटें ऑन हो गई हैं भाई, धूल, शायद यहाँ पर कुछ काम कर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इस चक्कर से बहुत ज्यादा धूल है। अगेन रेड लाइट, बट ये लेन बना रखे हैं बसेस के लिए, बट फॉलो कोई नहीं करता भाई। देखो ट्रैफिक, देखो हर तरफ से, इधर साइड से भी उधर साइड से भी भाई, भाई देखो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे स्पेस बना बना के जा रहे लोग। निकल रखा हूँ, पता नहीं यार वहाँ पे किस वजह से इतना ट्रैफिक था, साइड में भी दो तीन रेड बत्तियाँ हैं उसके चक्कर से, और ये जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, शायद कुछ शो है कुछ जावेद अली का, तिरंगा तो हमारी शान है और क्या पहचान है ना। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे, किस वजह से था और सामने शायद कुछ प्रोग्राम है ना, जावेद अली शायद, जबरदस्त दिख रहा है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं, यह है श्री फोर्ट जो कि स्पोर्ट्स का पूरा एरिया है। पूरा क्लीन एरिया है, अब आप देख सकते हैं। अजा 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 ले ले ले, भाई ये भी घूम रहा है, अब देखो अकेले में, इधर आ अजा, अले ले ले ले, इसको पता ही नहीं चल रहा कि जाना कहाँ है इसको। तो भाई ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा है, तो भाई इससे आगे जाके मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं है, और अगर मैं चले भी जाऊँ आगे तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा पार्किंग वाला एरिया के अलावा, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको एंट्री पास देना पड़ेगा। बट मैं इससे पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, स्विमिंग के लिए आया था बहुत पहले, तो इसके इधर साइड को पूरा का पूरा फुटबॉल का है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेनिस का, शायद बहुत सारे जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यहीं से, यहाँ से ज़रूर खेल के गए होंगे या प्रैक्टिस करके ज़रूर गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और साथ में साथ
प्रैक्टिस सेशंस के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है तो लोगों का टाइम हो गया है घर जाने का, कोई आ भी रहे हैं कोई घर जा रहे हैं, बस उनके टाइम के अकॉर्डिंग है। मेरे को जाना है वापस अब, क्योंकि आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है और टाइम भी मेरे को हो ही चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अंधेरा होने ही वाला है, क्योंकि लाइटिंग की वजह से इतना लग नहीं रहा है क्योंकि जगह जगह पर लाइटिंग है, बट जैसे मैं आगे आगे पहुंचूंगा शायद अंधेरा हो चुका होगा। तो चलो चलते हैं आगे की ओर, छोड़ देता हूँ अपनी साइकिल वापस घर की ओर। देख लो भाई अंधेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट, देख लो वहाँ पर तो लाइटिंग की वजह से उतना लग नहीं रहा था। पुलिस की गाड़ी वापस आ रही है, अच्छा वो यू टर्न दे रही थी, यू टर्न तो नहीं बोल सकते हैं, वापस बैक कर रही थी गाड़ी। तो भाई यहाँ से इतना डाउन है ना तगड़ा वाला, सीधे फोन पकड़ना पड़ेगा मुझे। फिर से रेड लाइट बहुत बड़ी है। और यहाँ पे तिरंगा बेच रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक डे है 26 को, इनका परिवार पूरा का पूरा देख रहे हो, अरे पूरे पूरे परिवार लगा है। फिर पहले मैंने जो चबूतरा दिखा रखा था कबूतर वाला, वहाँ पे एक भी कबूतर नहीं है क्योंकि शाम हो चुकी है और एक कुत्ते ने राज कर रखा है। देखो कुत्ता घूम रहा है इसके ऊपर, कुछ मिल जाए उसको खाना इसके लिए, पर कबूतर शायद इधर उधर भाग गए अब अपनी जहाँ पर वो सेफ है उस वाली सेफ लोकेशन पे। तो भाई आज की वीडियो थी छोटी सी इतनी सी, शाम के वक्त का एक छोटा सा ब्लॉग था, होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद नहीं भी आया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही, और लाइक करें शेयर करें लोगों को, दूर दूर तक शेयर करें अपने रिश्तेदारों को सबको। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।